होली के रंगों की खुशबू फैली है हर ओर और ब्रज की होली तो वैसे ही है खास, जहां सभी रंगों का मूल है केवल और केवल एक, भक्ति प्रेम। मोहे ब्रज बिसरत नाही, आज बात होगी नंदगांव की लठमार होली की और एक खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ केवल और केवल आकाशवाणी गोल्ड के दिल्ली चैनल पर। 7:11 और ठीक 28 सेकंड हो चले हैं। मंगल की मुक्ता है आपके साथ और आज बात करेंगे लठमार होली की। बिरज को राजा छेल छवीलो है दाऊ जी महाराज, बिरज को दाऊ जी महाराज हमारे दाऊ जी महाराज, बिरज को राजा छेल छवीलो है दाऊ जी महाराज, बिरज को राजा छेल छवीलो है दाऊ जी महाराज। दमक रहे हो ठोड़ी पे हीरा, दमक रहे हो ठोड़ी पे हीरा, पहन 40 गज को चीरा, पहन 40 गज को चीरा, खीर सागर निर्मल नीरा, पहन पीतांबर पटका पीलो है दाऊ जी महाराज, बिरज को राजा छेल छवीलो है दाऊ जी महाराज, बिरज को खड़ी रेवती मात जोड़ कर अपने दोनों हाथ, जोड़ कर अपने दोनों हाथ, लाज से नैना झुक झुक जात, लाज से नैना झुक झुक जात, नंद को रसिया रसिक रसीलो है दाऊ जी महाराज, बिरज को राजा छेल छवीलो है दाऊ जी महाराज, दाऊ
छटा मंदिर की कहीं न जाए, शिखर पे झंडा ले लहराए, नित जो माखन मिश्री खाए, नित जो माखन मिश्री खाए, लगावे 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 भांग को भोग नशीलो है दाऊ जी महाराज, मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 7:18 और ठीक 32 सेकंड हो चले हैं। तारीख है आज 19 मार्च और इंतजार सभी को है होली का, 25 तारीख का। लेकिन होली का त्योहार तो शुरू हो चुका है जनाब। कहीं होली के मायने रंग हो सकते हैं, कहीं होली के मायने गुजिया हो सकती है और कईयों के लिए केवल छुट्टी का एक दिन हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि होली भक्ति का कहीं ना कहीं संदेश लेकर आती है और प्रेम का कहीं ना कहीं संदेश लेकर आती है। क्यों है ऐसा और क्यों है ब्रज में होली का खास महत्व, इसी विषय पर आज बात करेंगे और बहुत रोचक बातें आप तक पहुंचाएंगे हम राकेश तिवारी जी के माध्यम से। जी हां, मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से आज हमारे खास मेहमान राकेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार राकेश जी। हेलो राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार सर। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से हम बात कर रहे हैं। राकेश जी आपको आवाज आ रही है हमारी? संपर्क साधने की दोबारा कोशिश करते हैं। और जी राकेश जी, आवाज में? जी गुड मॉर्निंग, आवाज आ पा रही है अब तक? राकेश जी अगर हमारी आवाज आप तक आ रही है तो हमारे श्रोता आपको सुनने को बेताब है। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं राकेश जी से। तब तक मोहे ब्रज बिसरत नाही में वहीं की संस्कृति को याद करते हैं और याद करते हैं कैसे नंदगांव में खास लठमार होली मनाई जाती है। हाँ
राकेश जी से हमारा संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, आवाज आ रही है अब तक? घूंघट में पिचकारी मारी, सारी चोली लहंगा भारी, सारी चोली लहंगा भारी, मुख सा चल देत हटाए, जे देत हटाए थोड़ी खेली न जाए, मुख सा चल देत आप जानते हैं, बरसाना और नंदगांव की होली विश्व प्रसिद्ध है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग खास तौर पर बरसाना और नंदगांव आते हैं यहाँ की लठमार होली देखने के लिए। अब नंदगांव, ये नाम पड़ा कैसे?
कहा जाता है कि श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा पहले गोकुल में रहा करते थे और कुछ समय के बाद नंद बाबा और उनकी माँ यशोदा अपना परिवार गायें गोपियों को लेकर गोकुल छोड़कर आ गए थे और श्री कृष्ण के माता पिता ने फिर नंद गांव को अपना बसेरा बनाया था। ये नंद गांव दरअसल नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसी पहाड़ी की चोटी पर नंद बाबा ने अपना महल बनाया था। सभी चरवाहे गोप गोपियां इसी पहाड़ी के आसपास के इलाकों में आकर बस गए थे और फिर धीरे धीरे नंद बाबा के द्वारा बसाए जाने वाले इस गांव का नाम ही नंद गांव पड़ गया था। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। माना जाता है कि नंदगांव की लठमार होली की परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है और इस परंपरा में नंदगांव की महिलाएं ब्रज के पुरुषों पर लाठी से प्रहार करती हैं और फिर पुरुष लाठियों के प्रहार से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं और ये परंपरा धीरे धीरे इतनी प्रसिद्ध होती चली गई कि दुनिया के लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। ये लठमार होली तो होती ही है लेकिन इसके बाद क्षमा याचना भी होती है जो बहुत कम लोगों को पता है। हर त्योहार खुशियां लेकर आता है, मिलवर्तन का संदेश लेकर आता है और साथ